हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बार्गेन ट्रेडर। आज का वीडियो का एजेंडा ये है कि आज मैं आपको ज़रूरत पाई से डेटा जो है, हमें जो अवेलेबल होता है उसको हम एमबी ब्रोकर के अंदर इंपोर्ट करेंगे। सो एक्चुअली फर्स्ट हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ज़रूरत पाई से, और फिर उसके बाद उसकी डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आज क्या क्या हम करने वाले हैं इसके अंदर। सो बेसिकली दीज आर द स्टेप्स टू एक्सपोर्ट द डेटा फ्रॉम ज़ेरोधा काइट टू एमबी ब्रोकर। फर्स्ट वी आर गोइंग टू लॉग इन टू पाई। वो आप सब, अगर आपका ज़ेरोधा में अकाउंट है तो आप जानते हो कि पाई को हमें कैसे लॉग इन करते हैं। अगर नहीं जानते तो आप जो है पाई, ज़ेरोधा पाई को गूगल में सर्च करो और वहाँ पर आपको जो है वो ज़ेरोधा पाई में लॉग इन करो, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई लॉग इन करके जो स्क्रीन आती है वो मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये स्क्रीन मेरे सामने आ रही है। अब स्क्रीन के अंदर जो है, मैं आपको बता देता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट मार्केट वॉच है। इसके अंदर आप कोई भी ये NSE जिसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो भी आपको लग रहा है, आपको इक्विटी चाहिए तो इक्विटी, इंडाइसिस चाहिए तो इंडाइसिस, जैसे मैंने रिलायंस सबका फेवरेट स्टॉक होता है तो मैंने इस तरीके से जो है ये दो स्टॉक यहाँ पे ऐड किए हैं। फिर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ये जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं वहाँ पे आप क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे तो ये चार्ट इस तरीके से खुल जाता है। इस चार्ट को वैसे तो आपको ये सेटअप इंट्रा का मिलेगा, पर आप इसको जो है यहाँ पे 60 डेज का कर सकते हो। यहाँ पे टाइम आप अपना दे सकते हो कि आपको वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, और उसके बाद जो है जैसे ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, इन दैट केस एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर जैसे मैं रिलायंस पे गया और मैंने ये क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे इंट्रा पे जाके 60 डे का डेटा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा बैक टेस्ट करना है वहाँ पे, इस वजह से मैं डेटा जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम का लेता हूँ। तो मुझे चाहिए है, जैसे मेरे लिए 5 मिनट का डेटा काफ़ी है। तो ये मेरे पास 5 मिनट का डेटा आ चुका है 60 डेज का पास्ट का। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको एक्सपोर्ट टू द चार्ट टू एक्सेल करूंगा। तो जैसे ही मैं दबाता हूं, अगर यहां पे सक्सेसफुल आ जाता है तो आप जो है इस डेटा को यहां पे क्या कहते हैं, आपके विजिबल होगा और ये आपके एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है आ जाता है। तो मैं अभी यहाँ पर जो है सेव कर रहा हूँ उसको, लेट मी सेव इट। तो ठीक है, मैं सेव कर चुका हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, तो ज़ेरोधा का फोल्डर है यहाँ पे, मैं यहाँ गया पाई पे, यहाँ पे एक्सपोर्टेड के अंदर आपको ये जो है यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं जो है एमबी ब्रोकर है, एमबी ब्रोकर का यूज़ आप देखो, उसकी ये मैंने यहाँ पे लिंक भेजा हुआ है, इसके अंदर जाके इसके जो है लाइसेंस वर्जन है या 1 महीने का शायद ट्रायल फ्री होता है, तो वो भी आप देखो। सॉफ्टवेयर आप परचेस कर रहे हो तो पहले उसको पे काम करना आना चाहिए, तभी परचेस करने का फ़ायदा है। हाँ, आपको करते हो उसको परचेस, आपको लगता है कि हाँ यार ये इफेक्टिव है, तब आप उसको जो है परचेस करो, नहीं तो जो है अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से जो आपको सूट करता है वो करो। तो मैंने साइट का जो है लिंक दे रखा है यहाँ पर, आप इस पर क्लिक करो और आपको जो है लाइसेंस से संबंधी जो भी पे जानकारी है, वट एवर इंफॉर्मेशन इज देयर, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट एंड देन यू कैन यूज इट। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो में। तो नेक्स्ट क्या करना है मुझे, अब जैसे मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसको खोलूँगा, ये मेरे यहाँ पे है। सो मैं इसको जो है बड़ा सिंपल है, यहाँ पे फाइल पे जाना है, क्योंकि आप इसको रियल टाइम डेटा नहीं दे रहे, हम इसको सिर्फ बैक टेस्ट करने के लिए कि भाई किस तरीके से ये काम करता है, सिंपल इसको जानने के लिए। रियल टाइम पे तो ये रियल टाइम ही काम करेगा, मतलब जब डेटा फीड आप इसमें कनेक्ट कर दोगे तो ये अलग तरीके से काम करेगा, फिर तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर लेकिन टूल की जो एफिशिएंसी है, जो बैक टेस्टिंग थोड़ी बहुत जो आप देखना चाहते हो कि भाई कोई आपको स्ट्रैटेजी पर्टिकुलरली समझ में आ रही है, या AFL में आप यहाँ कोड कर सकते हो और देख सकते हो, मैंने भी कुछ कोड करे थे यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको खैर कोड तो नहीं दिखाने वाला, बट लेकिन मैं आपको एक जस्ट जनरल आइडिया दे सकता हूँ कि भाई आपको कैसे, क्योंकि मेरे को AFL ज़्यादा पसंद नहीं आती है।
बट लेकिन फिर भी ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बने बनाए फंक्शंस हैं, तो आप उसको सही में यूज़ करके जो है, मैं एक्चुअली पाइथन और जावा से ज़्यादा रिलेटेड हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा एक टाइम ही नहीं मिल पाता है इसको ज़्यादा जो है करने के लिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें गया नहीं हूँ। बट हाँ, मैं भी इसके साथ साथ इसकी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं जो है, जैसे इंपोर्ट विजार्ड करोगे आप, तो यहाँ पे पिक फाइल करोगे, तो जैसे ये भी रिलायंस है, यहाँ पे मैंने इसको ओपन करा, और ओपन करने के बाद जैसे मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे आप जो है डेट का जो फॉर्मेट है उस पर डाल सकते हो, डी एम वाई यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ तो कुछ डालोगे नहीं, आपके पास तो ओपन ही है जो कॉलम था वहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे तो मेरे पास कॉलम क्या है, कॉलम्स के नाम क्या है रिलायंस का, फिर मेरे पास ओपन है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओपन डाल दूंगा, यहाँ पे हाई डाल दूंगा, यहाँ पे जो है लो डाल दूंगा, यहाँ पे क्लोज आ जाएगा और यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैंने फर्स्ट रो जो है स्किप कर दी और मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए क्या होता है। नॉर्मली ये यहाँ पे एक एरर देता है, बट ये नहीं दे रहा है, और देखो डेटा भी जो है वो नहीं लोड हुआ है। रीज़न बीइंग कि आप ये देखिए कि एम बी ब्रोकर जो है वो डेटा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेता है, वही मैं आपको जो है यहाँ पे बताना चाह रहा था कि इस तरीके से आप करोगे तो ये नहीं होगा, उसके लिए हमें थोड़ी सी यहाँ पे ट्विक्स करना पड़ेगा। ये है कि मैं यहाँ पे एक इंसर्ट करूँगा कॉलम, और ये पूरी जो है रो को कॉपी करूँगा कॉलम को, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। अब आप देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया टाइम, सॉरी यहाँ पे डेट, अब डेट और टाइम मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसमें मैं इसको ये फॉर्मेट सेल करके मैं इसको डेट फॉर्मेट में डालूंगा, क्योंकि वो इसी वे में मुझे जो है डेट चाहिए और मुझे नेक्स्ट कॉलम जो है मुझे टाइम का चाहिए, तो फॉर्मेट सेल करके मैं फिर से जो है यहाँ पे टाइम पे जाऊँगा और इसको जो है इस तरीके से मैं कन्वर्ट करूँगा। मैं इसके बाद सेव करता हूँ, और उसके बाद आप देखिए ये जो है सेव हो गया है, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब आप देखिए जैसे डेटा यहाँ नहीं आया था, तो एक बार फिर से मैं जो है इसको कोशिश करूँगा इंपोर्ट करने की, तो यहाँ मैं फिर से करता हूँ इंपोर्ट विजार्ड, और यहाँ देखिए मेरा ये डिफरेंट है। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे गया और यहाँ पे मैंने सबसे पहले डेट सेलेक्ट की, डी एम वाई, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया टाइम, बाकी के सारे कॉलम सेम ही रहेंगे। यहाँ मेरे को पहली लाइन जो है वन यहाँ पे स्किप करनी है, क्योंकि वो आपको पता ही है जैसे डेट टाइम और ये सब पहली रो है, इसे हेडर्स की होती है। अब मैं इसको जो है क्लिक करता हूँ, शायद देख लिया, अब की बार ये चल गया, तो दिस इज़ द इजी वे। मेरे को ये नहीं मिला था यूट्यूब पे, और मुझे लगा कि थोड़ा सा इसमें एक यूज़फुल एक तरीका बनाया जाए, ताकि हमारे जैसे लोग जो हैं, जो रिटेल निवेशक हैं, वो थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर को थोड़ा देखें, और बहुत सारी जो आजकल ट्रेडिंग हो रही है वो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही हो रही है। तो आप देखिए अगर आपको जैसे बैक टेस्ट करना है, तो उसके लिए भी मैं आप अगर नीचे रिक्वायरमेंट डालोगे कमेंट्स में, तो मैं बिल्कुल एक वीडियो बनाऊंगा, बल्कि मैं आपको हल्का फुल्का इसी वीडियो में दिखा देता हूँ कि बैक टेस्टिंग कैसे होती है। तो देखो जैसे मेरी ये डेटा जो है 17 से स्टार्ट है, 18 से स्टार्ट है आर्ली, और मैं इसको जो है 5 मिनट का भी कर सकता हूँ, 15 मिनट का कर सकता हूँ, उसको 5 मिनट का कर सकता हूँ, यहीं पर मैं उसको 1 मिनट का भी कर सकता हूँ,
देखो आपको 1 मिनट का भी चार्ज दिया। शायद 1 मिनट का नहीं बन रहा है ये, मे बी आप 5 मिनट को बनी रहे क्योंकि हमने 5 मिनट का डेटा लिया था। तो बिकॉज अगर 1 मिनट का लिया होता तो ये फिर 5 मिनट का ही बनता, 15 का भी, बिकॉज रेंज हमने थोड़ी बड़ी ली है, दैट्स द रीज़न। अब मैं एनालिसिस विंडो पे जाता हूँ तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये डेटा कहाँ से शुरू है, ये 19 तारीख से दिखा रहा है, ये सॉरी ये यहाँ से है 17 से, राइट डेट। तो देखो मैंने ये डेट यहाँ पे सेट कर रखी है पहले से ही, और 17/11/2020 दैट इज़ November 17 टू टिल द डेट वी आर क्रिएटिंग दिस। मैं यहाँ पे बैक टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो ये जो है इस तरीके से आपको 1 मिनट के अंदर रिजल्ट देता है, और यहाँ पे आपको कम्युलेटिव प्रॉफिट भी देता है कि भाई ये स्ट्रैटेजी पर्टिकुलरली आपका कितने ट्रेड लगी और कितना जो है वो करती है, और ये जो है स्ट्रैटेजी ये डिफाइंड है इस AFL के अंदर, जो आप जो है जब इसको देखेंगे तो आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे साइट्स हैं जो आपको AFL थोड़ा सा वहाँ मिल जाता है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा उसमें अगर आप कोडिंग जानते हो तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा समझना। मैंने खुद भी 1-2 स्क्रिप्ट्स में डेवलप किए हैं बट लेकिन मुझे अभी जो है पूरा इस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ बट लेकिन मैं थोड़ा सा बैक टेस्टिंग अगर मुझे किसी स्ट्रेटेजी की करनी है तो मैं इस पर कर सकता हूँ। वैसे सबसे बेस्ट तो प्राइस एक्शन है, अगर आप प्राइस एक्शन समझ जाते हो तो फिर उस प्राइस एक्शन को क्या हम कोड कर सकते हैं, अब ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या प्राइस एक्शन पूरी तरह से कोड हो सकता है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। वो कुछ पार्ट रहेगा कुछ पार्ट नहीं होगा, और एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग मॉडल बन सकता है कि जहाँ पे मल्टीपल वेरिएंस जो आपने इक्वेशन कभी मैथ्स में सुनी होंगी जहाँ पे कई सारी कंडीशंस के बेस पे ट्रेड किया जाता है, इस तरीके के मॉडल्स आज के टाइम पे जो हैं कामयाब हो सकते हैं पर उनको बनाने के लिए बहुत टाइम एनर्जी और लोग चाहिए। वो अकेले के बस की नहीं है ये सारी चीज़ें करना, क्योंकि बिकॉज इट लाइक्स अकेला भी कर सकता बट सर टोटल कमिटमेंट चाहिए, मतलब यू नीड अ कम्प्लीट टाइम फॉर दिस, यू नीड कम्प्लीट, यू नीड टू गो थ्रू मैनी बुक्स लाइक प्राइस एक्शन बुक्स, गुड बुक्स, उसके बाद ही आप जो है क्लियर हो पाओगे कि भाई मुझे क्या करना है। नहीं तो फिर क्या है कि हम किसी ट्रेड को लेते हैं और बैठे रहते हैं कि भाई हमारे हिसाब से सही चलेगा और कहीं, सो दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल पार्ट आई एम नॉट कवरिंग हेयर बट आई वुड जस्ट टेल यू लाइक हाउ इफेक्टिव इट इज। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please like this video if you like the content, and please go through the MB broker site and get to the what is the legal use of this software, and because just I have given here a demo just for the training purpose, like to understand how you can use the software, but well, if you are using it, if you want to use it, the best way is to use it in life. And first you have to understand how to use the software, how it works, then only we can use it. So that's up to you. Thank you for watching.